हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुमिस। आई एम अनुराधा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है तो यूपीएससी की तैयारी करने का सही वक्त कौन सा है, किस टाइम में जो है आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, इंटरमीडिएट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या फिर हाई स्कूल के बाद, मतलब कि कब जो है आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए, कब जो है सही वक्त है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का। और यहाँ पर जो भी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो भी बात शेयर करेंगे, ये जो है जितने भी एक्सपीरियंस टीचर हैं, जितने भी टॉप लेवल की कोचिंग सेंटर है वहां के जो एक्सपीरियंस टीचर हैं उनके द्वारा ये बात कही गई है और जितने भी टॉपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है ये बात कही गई है कि कब आप जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, एक सही वक्त क्या है। एक्चुअली इस टॉपिक पे कई सारे कमेंट आए थे, कई सारे बच्चे कंफ्यूज थे, कुछ बच्चे तो अभी हाई स्कूल में हैं, उनका ये क्वेश्चन है कि हम जो है यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करें, कब से तैयारी स्टार्ट करें, या फिर इंटरमीडिएट में हो तो हम जो है किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो ये जितने भी सवाल है तो सबका मकसद एक ही है कि हम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें ताकि हमारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए सही टाइम होना चाहिए। अगर आप कोई भी काम सही टाइम से नहीं करते हो, एक सही वक्त पर नहीं करते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। कोई भी काम जब आप सही वक्त पे करोगे तो आपको उसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो एक सही एज कौन सा है, कब आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सो फ्रेंड्स देखिए, जब आप इंटरमीडिएट में हैं, इंटरमीडिएट के बाद आपका सबसे पहले कि आपका एम जो है डिसाइड होना चाहिए कि आपको इस फील्ड में जाना है, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है। उसके बाद जब आप इंटरमीडिएट में हो, इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लो। अब ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट से ही जो है आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, नहीं, इंटरमीडिएट आप बहुत ही अच्छे से पढ़ो, जो भी आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस है आप अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करो। उसके बाद आप जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जब आप हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो ग्रेजुएशन होना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ही जो है आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम से। तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिए। आप जो है इंटरमीडिएट तक बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की है, जो भी आपका एकेडमी है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यानी स्टार्टिंग से लेके जो है 6, 7, 8, 9, 10, मतलब पूरा जो है आप जो है अपना टोटल टाइम उस एकेडमी पर लगाया है जो कि आप इंटरमीडिएट तक कंप्लीट कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिए। उस टाइम आप जो है अगर इंजॉय करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हैं, जो भी आपका थोड़ा छोटा मोटा जो भी सपना है, इधर घूमना उधर घूमना, जो है इस रिलेशन में जाना वहाँ जाना, मतलब जो भी है अपने फ्रेंडों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, जो भी आपका थोड़ा सा एक इंजॉय मूवमेंट है आप जो है उसे जो है कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बाद जो है आप सेकेंड ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर में भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो ग्रेजुएशन का। उसके बाद अब यहाँ से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही आप जो है यूपीएससी के प्रिपरेशन में लग जाओ। अब यहाँ पर आपके पास इंजॉय का वक्त नहीं है, जो भी इंजॉय का वक्त था आपने थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन अब टाइम है आपको स्टडी करने का, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही लेंथी होता है और वो आपको कंप्लीट करना है। तो आप ऐसे तैयारी कीजिए कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते 1-2 साल के बाद जो है आप यूपीएससी की तैयारी कंप्लीट कर लो, आप उसके एग्ज़ाम में बैठने के लायक हो जाओ। इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप अपनी तैयारी जो है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बाद, या फिर अगर आप चाहो तो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले करके जो है आप तभी से अपना जो है यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दो, यानी कि आप ग्रेजुएशन में रह रहे हो उसी के दौरान जो है आप यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ऐसे क्या होगा कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते ही 1-2 साल बाद जो है आप बिल्कुल तैयारी कर लोगे और आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे पाओगे, क्योंकि जो है अगर आप इधर लेट करते हो तो तैयारी करने में आपको और भी ज़्यादा वक्त लगेगा और ऐसे में आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जब आपकी एज बीत जाएगी तब आपका अगर सिलेक्शन भी होता है
तो आपका वो सपना नहीं पूरा हो पाएगा जो कि आप सोच रखे हो। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते थे, लगभग जो है 5 साल से ऊपर ही समझ लीजिए, 5-6 साल तक जो है जब ये हो जाते थे, तब उन्हें जो है स्कूल भेजा जाता था। लेकिन आज के दौर में आप देख रहे हैं कि बच्चा अभी छोटा ही है, तभी से जो है उसे स्कूल भेजा जा रहा है। तो कम एज में ही जो है बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल कर रहा है, यानी कि अभी जो है उतना एज नहीं जा रहा है, ज़्यादा एज नहीं ख़त्म हो रहा है, अपनी जो है डिग्री, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले रहा है। तो ऐसे में इसका मतलब ये है कि कम एज में ही जो है बहुत कुछ हासिल कर लेना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी चलना है कि आप जो है सही वक्त पे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ग्रेजुएशन स्टार्ट हो रहा है तभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, यही जो है एक सही वक्त है प्रिपरेशन करने का। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।